तो आज हम बात करेंगे कि जब बेबी दूध जो है सक नहीं करता है, कई बार दूध की सप्लाई कम हो जाती है, या फिर बेबी को जुकाम होता है, या फिर बेबी कई बार इंटेंशनली छोड़ देता है दूध पीना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या फिर आपको जो है ऑफिस ज्वाइन करना है और आप अपना दूध नहीं पिला सकते हैं, इतना ज़्यादा पंपिंग भी नहीं हो पाती है, तो हम क्या करें, तो बेबी को निप्पल पकड़ने की आदत नहीं होती है, तो ऐसे केस में क्या करेगी, तो चम्मच से दूध पिलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब छोटा होता है तब आप उसे चम्मच से पिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेबी जब 7-8 महीने का होता है तो चम्मच से नहीं पी पाता है, या कुछ बच्चे जनरली नहीं पी पाते हैं, तो आपको ऐसे केस में क्या करना चाहिए जब बेबी निप्पल नहीं पकड़ता। तो आज का वीडियो इसी बारे में है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो बेबी जब मेरा 6 मंथ्स का जो मेरा बेबी है वो 6 मंथ्स का था जब, तो उसने जो है दूध पीना छोड़ दिया था, क्योंकि उसको जो नाक बंद था और मेरी दूध की सप्लाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैं इंटेंशनली खुद ही चाहती थी कि बेबी जो है बॉटल पकड़ ले, लेकिन जब भी मैं उसको मुंह में निप्पल देती थी तो वो काटता था। निप्पल वैसे भी सिलिकॉन के होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते, हेल्थ को देखे जाए तो निप्पल्स आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, उससे आपको बेबी को जो है दस्त वगैरह लग सकते हैं, तो ये रीज़न्स भी थे। तो ऐसे केस में जब बेबी निप्पल खुद ही नहीं पकड़ता तो क्या करेंगे, तो मैंने जो किया था मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो मैंने इस तरह का पाउट जो है ये यूज़ किया था, और इसको बेबी ने एक ही बार में पकड़ लिया था। तो इस तरीके से जो सिपर होते हैं इस तरीके के, तो इसमें मैंने दूध डाला और मैंने इसको एक बार दिया और एक बार में ही उसने पकड़ लिया था, क्योंकि निप्पल को वो ऐसे ऐसे कट करता था, लेकिन इसको उसने सक कर लिया था, तो क्योंकि हार्ड होता है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे जो है प्लास्टिक की बॉटल का है ये, तो मैंने प्लास्टिक जो है मैं यूज़ नहीं करती, तो मैंने ये स्टील की बॉटल के ऊपर इसको जो है रिप्लेस कर दिया था, इसका जो है वो इसका भी प्लास्टिक का था, तो मैंने इसको दूसरी बॉटल से लेकर इसमें रिप्लेस कर दिया था और इसको मैं पिलाती थी, और ये बिल्कुल 100% इफेक्टिव था मेरे केस में। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि मेरा दूध की सप्लाई कम थी और बेबी मेरा निप्पल बिल्कुल भी नहीं पकड़ता। मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी निप्पल उसने कभी नहीं पकड़ा, उसको मैंने एक्चुअली बॉटल लगाई ही नहीं थी। तो जिन बेबीज़ की ये प्रॉब्लम है कि जो निप्पल नहीं पकड़ना सिखाया और उसके बाद आपने 6-7 महीने होने के बाद आप उसे बॉटल लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके का जो है यूज़ कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।